दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए, ये जो लाइन है पूरी तरीके से सूर्य कुमार यादव पर फिट बैठती है। आगे है विराट कोहली की रन लेने की प्रॉब्लम, साथ ही साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के थर्ड ओडीआई मैच में डिस्कवरी जैसा माहौल क्यों बन गया और ढेर सारे मेमेस। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने फिर एक बार टॉस हार कर स्टीव स्मिथ को ऑर्डर देने का मौका दिया। चलो बे बॉलिंग करो, आज हम बैटिंग करेंगे। हुक्म को सर आंखों पर बैठाकर रोहित शर्मा की टीम अपनी प्लेइंग 11 को लेकर उतर आए, जहां पर विराट कोहली के डांस की चर्चाएं भी खूब रही। न जाने कौन सा टॉनिक लपेट कर आए थे मार्स और हेड ने ऑस्ट्रेलिया को दमदार शुरुआत दी। इसी दौरान शुभमन गिल को हार्दिक पांड्या के गुस्से का सामना भी करना पड़ा, जब उनके 10वें ओवर में हेड का एक आसान सा कैच सारा को इंप्रेस करने की कोशिश में जंप करते हुए छोड़ दिया। फिर तभी इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने हेड को कुलदीप के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेजा। शुभमन गिल ने राहत की सांस ली कि चलो इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं किया, वरना सारा का सारा ब्लेम मुझ पर आ जाता। ऑस्ट्रेलिया की तेज भागती गाड़ी पर थोड़ी सी लगाम लगी। हार्दिक पांड्या की कमाल की गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इसी बीच कुलदीप यादव के स्पेल ने भी हार्दिक पांड्या का बखूबी साथ दिया और तमाम ऑस्ट्रेलियन टीम को इंडिया ने 269 रनों पर ढेर कर दिया। इसी दौरान मैच देखने जारवो नाम का कुत्ता भी भारतीय टीम की मदद करने मैदान में घुस आया। भारतीय टीम 300 रनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया को समेट कर खुश थी। क्राउड भी आश्वस्त थी कि 8 नंबर तक गहराई में बैटिंग है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल सबकी फॉर्म वापस आ चुकी है, अब हमको कौन हराएगा। पर अभी तो असली ट्विस्ट बाकी था। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल हर बार की तरह ओपन करने उतरे, अच्छी शुरुआत भी दी, पर कप्तान रोहित शर्मा 17 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौट आए। दारोमदार विराट कोहली और शुभमन गिल पर आ गया। विराट कोहली का दिन आज बढ़िया था, पर रनआउट कराने की उनकी आदत शुभमन गिल को भी ले डूबती। 3-4 बार शुभमन गिल भी रनआउट होते होते बचे। कहते हैं कि वो बाबा ने बताया था कि 1 को रनआउट करोगे तो 50 रन, 2 को रनआउट करोगे तो तुम्हारे 100 रन पक्के। बहरहाल शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के तुक्के का शिकार हुए, जिसमें हंसी मजाक में लिया गया DRS शुभमन गिल के विकेट पर धार मारकर चली गई। केएल राहुल मैदान में उतरे, 50 गेंदों में 32 रन बनाकर लौट आए। फिर सूर्य कुमार यादव को ना भेजकर कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को भेजा, पर वो विराट कोहली के रनआउट का शिकार हो गए, जिसे देखकर रोहित शर्मा का रिएक्शन भी धड़कने बढ़ा देने का काम करता रहा। अक्षर पटेल अपना गुस्सा निकालना चाह रहे थे, पर सामने तो विराट कोहली थे, अब दरवाजा ही बचा था लात मारने के लिए। बाबा का आशीर्वाद था, 1 रनआउट मतलब 50 रन तो पक्के। विराट कोहली ने अपने 50 रन पूरे किए, पर अब उनकी नजर 100 पर थी। सामने थे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने विराट कोहली को भी गाली देकर बोल दिए, हाथ में गेंद है अंधा है क्या लबड़े। विराट कोहली भी उपकप्तान हार्दिक पांड्या की गाली सुनकर वापस लौट आए। सब कुछ ठीक था, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव आराम से सो रहे थे, तभी विराट कोहली आउट हुए। फिर सूर्य कुमार यादव को आना पड़ा, फिर गोल्डन डक पर आउट होकर ही सूर्य कुमार यादव की नींद खुली। इसके बाद मैदान में डिस्कवरी चैनल का एक शिकार देखने को मिला। फिर धीरे धीरे सारी भारतीय टीम हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और लोअर ऑर्डर सब पवेलियन लौटकर तमिलनाडु के कोलचे खाते हुए दिखाई दिए। ऑस्ट्रेलिया ने सालों बाद भारत की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ी और कप उठाकर चल दिए। आपकी यह मैच को लेकर क्या राय है, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।